मुंह है हाँ इसका तो। ये भाई को देखा होगा तुमने 50 बार वीडियोस में। ये पैटर्न हो गया और ये बंद है और इसके बाद ये अरे हटाना नहीं है यहाँ से ना। हाँ वही वाला एम सी ली लगाते हैं ऐसे बंदे एंड में ना यहाँ पे। थोड़ी सी मार देना ठीक है। GoPro के लिए भी हो गया, एक्शन प्रो एरा और भाई फोन के लिए भी हो गया। जब तक फोन से करेंगे फोन से देख सकते हो। ये पकड़ के कर रहा हूँ, ये बार बार मुड़ रहा है, बार बार यही टूट गया। चेक तो स्मार्ट ही देख लो, पहले इसको चेक कर लो। सेट हो गया तू तो बिल्कुल, मैं ही 5 मिनट में सेट हो रहा हूँ बस। मैं तो बुमराले वाल कराने की सोच रहा हूँ यार, करा लूँ है मजाक नहीं, वैसे तो है मेरे बुमराले। जय श्री राम एवरीवन। सो अभी मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया आज पूरे दिन का, बाल बाल कटवा के फुल फाइनल आ गए। आज संडे है तुम्हें पता है, संडे फंडे, तो आज हम कर रहे हैं गेम वीडियो शूट, इसलिए धूप में बैठे हैं। बाकी कैसे लग रहे तुम्हारे भाई के बाल? हेयर स्टाइल तो बढ़िया लग रहा है, मुझे तो प्यारा लग रहा है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं, तो इस सर्दियों में हम पे बड़े बाल नहीं रखे जा रहे, छोटे बाल रखेंगे अपना आराम से। बाकी हमारे साथ देखो बच्चे लोग 3-4। कैसे हो? बढ़िया। ये हारी हुई लड़की, ये हारी है, ये जीती है, ये जीती है, ये जीता है, वो जीती है। ये वाला मैच हारी है ना तू? ये वाला ये वाला आ रही तो है, कैसे आ रही हूं? ये वाला आ रही है, ये वाला जो ये बॉल वाला रखा ना देख लेना, ये आ रही है। और ये तो वैसे अंशिका भी आ रही है वाला है ना, और तुम भी आ रहे हो ये तो है ना, ये तो चारों आ रहे हो बैठे हुए। ये बराबर है, मैं जीता हूँ बेटा, ये वाला गेम जीता हूँ मैं। हमने 3 गेम खेल लिया अभी तक, गेम तो हम तुम्हें दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे नए चैनल पे आने वाले, जाके देख लेना। और अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। और अभी सब लोगों से मिलवाऊंगा, एक दो बंदों को आज हमने भेजा क्योंकि आज हम थोड़ा ईट, आज मैं उस पे हूँ ना, क्या कहते हैं, आज मैं थोड़ा चीट पे हूँ। ऐसा तो सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है ना, समोसे ही खाए हैं दो, वो भी गौरव भाई के साथ जाके है ना, और उसके बाद से अभी तक यूँ ही हूँ, बट ठीक है जैसा भी है, मस्त चल रहा है। कौन सा मैच जीत गए तुम? बराबर हुआ है ना तुम्हारा तो, हमने 3 मैच खेले हैं। पहला मैच कौन जीत, पहला मैच क्या हुआ था हमारा? हाँ बोल बोला, वो कौन जीता था? वो ये जीता था, और ये भी जीती थी उसमें, और आप जीते थे वो वाला जो वो वाला। पानी वाला हुआ था तुम्हारा, किसके साथ हुआ था वो? इसके साथ ना, हाँ इन दोनों का हुआ था, ये जीता था, इसका पता नहीं किससे हुआ था, ये जीत गई थी, इसका एक आधे बच्चे से हो गया था, तेरा तू हार गई थी ना वो, हाँ इसका पता नहीं किससे हुआ था, मेरा किससे हुआ था, मेरा हुआ था इससे, हाँ मेरा हुआ था इससे, और ये मेरे से जीत जीती थी, तो हमारा बराबर ही था है ना, देख लेना। आप जीते। बाकी यह मूर्तियाँ चेंज होने वाली है यहाँ पे, और मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक फ्रेम, पूरा फ्रेम बनेगा, मस्त सा वो लगेगा पूरा। और एक हमारा ये रहा प्लेयर, ये किसी काम से चला गया था भैया अपना लाइब्रेरी आज, तुम देख ही सकते हो भाई। नेक्स्ट वीडियो जो फुल वीडियो आएगी ना वो बहुत ही खतरनाक आएगी भाई, आएगी नहीं आएगी, वीडियो का कोई तोड़ नहीं है भाई, जो वीडियो आने वाली ना। वीडियो तो बन गई सारी, पर भाई एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, वीडियो बनने के बाद की जो गंदगी होती है ज़्यादा शूट पर होती है ना, वैसी दिखाऊँ तुम्हें एक चीज़, ये देखो घास, घास पर पूरे समोसे, ये सब देखो कितने गंदी तरीके से, और यहाँ देखो ये देखो कितना कूड़ा, मैंने अभी भी पानी गिरा जब है, पैसा ही पैसा, ये देख रहा हूँ कितना कूड़ा चूड़ा है, अभी इसको फटाफट साफ करते हैं, और ये भी हटाते हैं यार, ये सब भी यहाँ से हटाते हैं। वीडियो हमें बनानी है तो सफाई भी हमें ही करनी है, ओ करते हैं जल्दी जल्दी। येलो आई
ऊपर पत्तों में भी डालना चाहिए वैसे तो, कल तो मैंने डाला था, पत्तों में ही पानी डालो, थोड़ा और वो रहता बढ़िया, पत्तों में पानी वानी डालना चाहिए बढ़िया। और ये हमारा कबूतरों के लिए, उसमें ही पानी भरो, सुबह शाम दोनों टाइम भर दो भाई पानी, कुछ नहीं जा रहा। एक दीन है ना मेरे को कमेंट किया था कि हैंड वॉश के लिए आपने घड़ी साबुन रख रखी है, तो उस टाइम पे तो मैंने उनको बोला था कोई बात नहीं, बट दी ये हैंड वॉश के लिए घड़ी साबुन नहीं है, ये सिर्फ हमने ऐसी मिरर यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे हैंड वॉश का कुछ है नहीं, आप देख सकते हो। ये ना कपड़े धोने के लिए है, जब कपड़े वपड़े धोएँ तो यहाँ पे बस टॉवल रखो, और अपना जब मैं प्रैक्टिस वगैरह करूँ वहाँ पे या जिम विम करूँ तो उसके लिए है ये, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेते और छोटी छोटी बात पे। और भाई हम लोग हैंड वॉश जो मॉर्निंग 12 बजे डाइट लेता था मैं, वो ये देख सकते हो आप 5:45 पे ले रहा हूँ दलिया। संडे शेड्यूल वीडियोस में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि 5:43 हो रहे हैं, आप देख सकते हो इतने बजे डाइट लेनी पड़े। पहला खाना है मेरा आज का ये, तो अब पता नहीं कब तक क्या क्या खाना है पड़ेगा, देखते हैं, कोई नहीं। और बस खाते पीते हैं और फिर चलते हैं, उसके थोड़ा सा बाहर को घूमते हैं। आज थोड़ा रेस्ट भी कर रही लिया हमने बहुत ज़्यादा वीडियो बना के, चलो खाते हैं इन्जॉय करते हैं। भाई मैं आया हूँ यहाँ पे अपना करोल बाग, झंडे वाले के पास ये अपने भाई की शॉप स्टील बेड, इनके पास से भाई मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं इनकी, आज इनके पास से हम हेलमेट लेने आए हैं, जो ये मेरा भाई बोल देगा वही हेलमेट लेंगे पूरा एकदम। भाई ने सही स्टॉक रख रखा है, ये भाई को देखा होगा तुमने 50 बार वीडियोज़ में, वाइट के हिसाब से तो मेरे को ये भी ठीक लग रहा है और ये वाला भी। बाकी एक बार भैया करते फिर अच्छे से पूछते और फिर करते बढ़िया बातचीत। हेलमेट एक से एक है गुरु, तुम बताओ तुम्हें कौन सा बढ़िया लग रहा है। लो मुंह गया इसका तो नहीं, वैसे सही लग रहा, 13 पे तो सही लग रहा, 30 पे तो लूज आ रहा है, मेरे पे आ रहा है फिट थोड़ा। चलो बात करते हैं, वैसे सही लग रहा है वाला, देखो इधर भाई की वीडियो बना, भाई अंदर से टाइट है लुई रखे हुए, भाई मेरे को टाइट आ रहा है, एक बार देखना भाई, ये हिस्सा तो बिल्कुल ही गया, ये हिस्सा तो बहुत ज़्यादा टाइट है, और उससे ये वाला ये पैटर्न हो गया और ये बंद है और उसके बाद ये दोनों में जा रहा है, तो ठीक वैसे मतलब टाइट तो है पर इतना टाइट भी नहीं है, बार बार पहनेंगे उतारेंगे तो देखते हैं इसको, या फिर एक दो और दिखाएं भाई को। भाई हमारा आधा प्रोसेस हो गया, बस हमें माइक चाहिए, माइक मिल जाए, बाकी हमने लिया ये, तू ले लियो एक, ये भी ले लेना ऐसा कर, एक ये ले ले, ये वाला ही बढ़िया लग रहा है, स्मोक्स आया ना भाई, ये वाला पसंद भाई की है, मैंने तो माइक से बोल दिया था व्लॉग से स्टार्ट करते ही कि भाई जो भी पसंद आएगा भाई की पसंद का है, ये भी अच्छा लग रहा है सच बताऊँ तो व्लॉग के लिए, तो ये भी बढ़िया है और ये वाला भी पैटर्न अच्छा लग रहा है तो अब वही वाली चीज़ है ना, एक बार एक चीज़ पे वो आ जाता ना, क्या पता इन पे हो कुछ, इनमें देख ले हाँ इस है ये वाला एक और तो दे दो यार, है ना, जब केदारनाथ वाली ट्रिप करेंगे तो दोनों सेम ही हो जाएगा भाई, बट जैसे भाई अपना व्लॉग में बताते हैं ना, वीडियो में बताते हैं, सेम ही प्राइस है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कम ज़्यादा, मतलब नॉर्मल है। और मेरे को एक बंदे ने बताया था कि भाई बहुत अकड़ू हैं ऐसे वैसे बात करते हैं, भाई तो बढ़िया बात कर रहे हैं, मतलब बढ़िया बात कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे इंसान करता है वैसे। क्राउड बहुत है भाई की वीडियो देख के ना, सब लोग बढ़िया ही आते हैं, ये गर्ल्स वाला पैटर्न होगा पूरा, पापा की परी होगा तो जोर दिया भाई इसकी, ये फूल पत्ते उनको पसंद है ना, डिजाइन में दिखाना भैया सही है, या ऐसा करते हैं सुन,
एक यहाँ से ले लिया पहले, दूसरी दुकान से देख लिया, अगर नहीं मिला तो फिर ये वाला ले लेंगे। वही तो कह रहा हूँ, ये लग जाए पहले मेरा फाइनल। हाँ अब मैं लगवा ही लेता हूँ एंड टू एंड, देख लेंगे। एम सील लगा दूँ इसे हटा के? अरे हटाना नहीं है यहाँ से ना। हाँ वही वाला एम सील ही लगाते हैं ऐसे बंदे एंड में ना, यहाँ पे थोड़ी सी मार देना। ठीक है, GoPro के लिए भी हो गया, एक्शन प्रो एरा, और भाई फ़ोन के लिए भी हो गया। जब तक फ़ोन से करेंगे फ़ोन से, उसके बाद GoPro जब भी आ जाएगा तो उससे ऐड ऑन कर देंगे अपना। ये पूरा सेट हो रहा है आज का दिन ऐसा ही, थोड़ा काम में फाइनली ले लिया हमने दोनों पैटर्न सेम, ये और ये सेम पैटर्न सेम बाइक, क्या ही करके मानेंगे हम, हमें भी नहीं पता, बट भाई बढ़िया है जो भी कहो, मस्त है। भैया के पास देख रहे हो वीडियो के चक्कर में कितनी भीड़ है, बढ़िया हिसाब किताब है भैया का भी। स्टिल बिल्ड दे भाई को, दे दे भाई कर देंगे तेरा काम। ये तो तू कभी भी हटा सकता है। भाई सब लोग बोल दो जय श्री राम। ये देखो कितना बड़ा मंदिर, और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति, ये मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, अभी सिनेमैटिक दिखाऊंगा इसका सिनेमैटिक। सबसे पहले टाइम देखो भाई, 10:13, अब आया हूँ घर पे, और हम लेके आए हेलमेट जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा, आप लोगों ने देख ही लिया, और पूरा डिटेलिंग में मैं उसको जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही प्यारा हेलमेट है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, और वो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और उसके फीचर्स भी अच्छे हैं, है ना, दोनों चीज़ बढ़िया है। बट हमारा टास्क भी है तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना, हमारा टास्क है आज का, हमें रोप कूदना है, जो मेरे को पता है कि हमें रोप करना ही करना चाहिए कुछ भी हो जाए, और हमें करना है भगवत गीता पढ़नी है नहा धो के। तो पहले मैं सोच रहा हूँ 10-15 पुशअप्स मारते हैं, फिर नहाते हैं, उसके बाद भगवत गीता पढ़ते हैं, और एंड में फिर हम करेंगे रॉप, क्योंकि अभी आपको ही पता है इतना ट्रैवल किया है, आज इंजॉय किया, वीडियोस बनाई है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरे टाइम धूप में, और आज मैं सच बोलूँ तो मैंने सुबह से सिर्फ दलिया खाया और अभी एक रोल खा के आया हूँ बस, और पूरे दिन में कुछ नहीं, आज 1% डाइट नहीं ली, बट काम करना है, डाइट ले ना ले उससे कोई मैटर नहीं है, बट जो हमारा है रोप वो पूरा कूदना है, तो चलते हैं रोप कूदने, लेट्स गो। 10-15 पुशअप्स मार लेते हैं जिससे कि बॉडी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, तो लेट्स गो। थोड़ा आ गए हम अपनी बातचीत में, एक तो यहाँ चीजें तुम बाल कटवाते हो ना, उस दिन सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे ब्लेड जरा सा लग जाता है और बाल वाल भी इधर उधर रहता है, तो बट बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है, मेरे को तो बड़ा प्यारा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना, फटाफट जल्दी खा लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। वैसे ही मैंने बोला था संडे ऑटोमेटिकली ना रेस्ट बन जाता है, बट अभी मेरा रेस्ट डे तो नहीं है, क्योंकि मैंने उस तरीके से अपना टास्क लिया है कि मेरा संडे भी रेस्ट ना हो, मतलब ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बट छोटे मोटे चीजें छूट जाए, पर
रोप ना छूटे और भगवत गीता ना छूटे, है ना। चलो अब नहा के मिल लो तुम लोगों से। कुरु वंश के वियोव्रत पिता में अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उस प्रसन्न करने के लिए उत्पन्न उच्च स्वर से अपना शंख बजाया कि उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पोत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको भगवद गीता के द्वारे पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ या फिर जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अलग अलग दिन, और जब मैं आपको बुक्स की स्क्रीनशॉट्स या रिकॉर्डिंग देता हूँ तो आप उसको ध्यान से पढ़ें और समझें, और इसी दौरान आप भी स्टार्ट करें भगवद गीता पढ़ना और दिल लगा के मन लगा के करें आराम आराम से, और चीज़ें भी आप ऐड करें अपनी लाइफ में। इंजॉय करो लाइफ को, बस लाइफ का यही रूल है, सबके साथ अच्छा करते जाओ और अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाओ। और दोबारा से कर रहा हूँ मैं सेम वही चीज़, और देखते हैं आज तो वीडियो बननी होगी, और आज रोप भी सेम है तो आज भगवान हमारे साथ होगा। करते हैं आज हमें करने 380, है ना, क्योंकि आज हमारा डे 28 है तो आज हमें करने हैं 380, तो करते हैं लेट्स गो। सो दो सौ यार यही निकल गया शीट ब्रो, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मेरी गलती नहीं है। 35 हो गए, 235 करते हैं इसे स्टार्ट, लेट्स गो। जैसा भी होगा करेंगे। ये भाई हाथ से नहीं चल रहा,
350 360 370 380 390 400। भाई मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, देखो ये पकड़ के कर रहा हूँ मैं, ये पकड़ के। आप खुद देख सकते हो ये पकड़ के कर रहा हूँ, ये बार बार मुड़ रहा है, बार बार यही टूट गया। चेक यही टूट गया भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। पर हाँ इसलिए मैंने 20 ज़्यादा कूदे कि जो भी मिस्टेक्स हुई है इसके कारण थोड़ा सा रुका और ये एकदम छूट गया। हाँ ये तो हाथ से मुड़ रहा है भाई, तुम इसे पकड़ कर रहा हो मुड़ रहा है क्योंकि ये तार है, देख सकते हो तुम्हारे सामने। बाकी सब कुछ हो गया, मस्त हवा चल रही है और आप लोगों का सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, माता रानी का आशीर्वाद है कि इतना थकने के बावजूद भी मेरा ये टास्क भी पूरा हो गया। और ये भी शुक्र है कि 10-20 पे नहीं कूदा, आराम से 200 के बाद टूटा है। अगर पहले टूट जाता तो शायद मैं नहीं कर पाता, है ना। तो थैंक यू सो मच आप सबका। बाकी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गणपति बप्पा मोरिया।